हेलो गाइज, तो आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। गाइज, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम जो बात करते हैं कि जो मिक्सी के जार होते हैं उसमें सब कुछ सही है, पर क्या हो रहा है कि जो मिक्सी का जार है वो उसमें कुछ सामान डालते हैं तो वो ग्राइंड नहीं कर रहा। उसमें एक बहुत सी छोटी सी समस्या है, वो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि उस वजह से जो जार होता है वो ग्राइंड नहीं करता। तो गाइज, आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मैं प्रवीण, गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें चार पैर की कपलर लगी हुई है, जो तो बिल वो तो बिल्कुल एकदम सही है। गाइज, इसको ऊपर की तरफ देखते हैं। गाइज, हम कभी कभी जार को ऐसे ही उसमें सामान डाल के ग्राइंड करने लग जाते हैं, पीसने लग जाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा, या उसमें ब्लेड कहीं फ्री तो नहीं है या फिर की कटी हुई है, नहीं है कटी हुई है, उन चीज़ों पे हमें ध्यान दे देना देना। ऊपर चाहिए। देखते हैं ब्लेड फ्री है या नहीं फ्री है गाइज, वो और देखते हैं। तो गाइज, इसमें देख सकते हैं कि ब्लेड फ्री है, इसमें गाइज इसमें देख सकते हैं कि ब्लेड फ्री है। गाइज, ये देख सकते हैं ब्लेड फ्री है, इसमें ब्लेड ऊपर नीचे हो रही है। इसमें ये नट था, ये टूट चुका है। इसमें अंदर जो पीतल वाला है वो बचा हुआ है सिर्फ। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कभी भी अपने जार को काम में लें तो पहले ये चीज़ नोटिस करें कि भाई कहीं जार सही तरीके से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, वो कहीं जाम तो नहीं है। आप क्या होते हैं कि जाम जार को लगा देते हैं तो आपकी कपलर भी टूट जाती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। ब्लेड कहीं फ्री तो नहीं है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें पहले। गाइज, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि इस नट को खोलने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, इसलिए मैं तो कपलर खोलूंगा पहले। इस कपलर खोल के इसके इस ब्लेड और इस स्पैंडल को बाहर निकालूंगा। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि गाइज यहाँ से भी इस नट को खोल सकते हैं। ये कौन सी तरफ खुलेगा? ये क्लॉकवाइज खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा, जैसे फिरकी होती है। तो गाइज क्या करेंगे, गाइज ये फिरकी ज़्यादा टाइट नहीं है, ये हाथ से ही खुल जाएगी। तो गाइज थोड़ा सा हाथ से जोर लगा सकते हैं, आप प्लास लिख सकते हैं और जो ब्लेड है उसको अंदर से पकड़ लेंगे। गाइज गाइज क्या है कि ब्लेड घूम सकती है, फ्री भी मार सकती है, थोड़ा ब्लेड को टाइट मारे, टाइट तरीके से पकड़ें। तो गाइज ये खुल चुकी है क्लॉकवाइज, थोड़ी टाइट ज़रूर है, खुल चुकी है गाइज। ऊपर के वास है ना गाइज इसमें, तो गाइज देख सकते हैं कि आप ये कैसे फ्री हो रही है। ये गाइज ये नट है, इसको क्लॉकवाइज खोल लेंगे। क्लॉकवाइज खोलना है इसको, जिस तरफ अपन किसी चीज को टाइट करते हैं उस तरफ खुलेगा। जिस तरफ ये जीएमजी जार की कपलर होती है उस तरफ खुलेगी, उस तरफ ये नट खुलेगा। तो गाइज इस तरफ इसको घुमा लेते हैं अपन। तो गाइज ये खुल चुका है। अब क्या करना है गाइज, आपको मार्केट में ये नट मिलता है, ब्लेड का नट, ये 5 या 10 रुपए में मिलता होगा, आप ले आना। गाइज क्या है कि ये नट है मार्केट में 5 से 10 रुपए में मिलता है, आप ले आना। और फिर क्या करना, जो ये इसमें साइड में लोके बने हुए हैं ऐसी जगह, इसको पहले इस जो इसमें किनार बनी हुई है उसको खोल लें पहले, जो ब्लेड में बनी हुई है। फिर गाइज इसमें नट लगाएं, फिर गाइज इसमें नट लगा लें आप पहले। तो गाइज देख सकते हैं नट इस जो ब्लेड वाले खांचे में डल चुका है। इब गाइज इस किनार को, इन किनार को मोड़ दें वापस। गाइज इस किनार को इसलिए मोड़ रहे हैं कि ये नट वापस बाहर नहीं निकले इस ब्लेड से, और ये ब्लेड और नट एक हो जाएं। अब गाइज जो ये स्पैंडल है इस पे हम इसको टाइट करेंगे। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो नट है ये एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा, यानी पीछे की तरफ और आगे की तरफ खुलेगा। गाइज इसको ऐसे पकड़ कर टाइट कर देंगे। तो गाइज ये मैंने टाइट कर दिया है। अब
अब क्या करेंगे, नीचे से इस ब्लेड को डालेंगे, ब्लेड को नहीं सॉरी इस पेंडल को नीचे से इस बुश में डालेंगे। नीचे से आपको हाथ रखना है क्योंकि ये नीचे से इस पेंडल निकल सकती है गाइज। और जो ये फिरकी हमने चार पैर वाली खोली है इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट कर लेंगे। तो गाइज आप इस तरीके से इस ब्लेड के ऊपर वाले नट को चेंज कर सकते हैं। तो गाइज आपको वीडियो समझ आई, बात की थी कि जो हमने जार लिया था उसमें कपलर भी सही थी, स्पैंडल भी सही थी, जो ब्लेड के ऊपर नट लगा होता है प्लास्टिक का जिसमें पितल की डेवरी आती है जो स्पैंडल पे खिंचती है, तो क्या होता है कि जो उस नट का काम क्या होता है कि गाइज जो ब्लेड का होता है उसको स्पैंडल के साथ जोड़े रखती है। तो गाइज वो टूटा हुआ था जिसके कारण स्पैंडल में से ब्लेड फ्री मार रही थी और जो भी हम सामान जार में डालते थे तो वो ग्राइंड नहीं हो रहा, तो गाइज यही समस्या थी और आज हमने उसी पे बात की। तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको ऐसी समस्या आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका जल्द से जल्द, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़।